अरे ये क्या, एबेलन और ग्रैनी तो आज पिरामिड में हैं और उनके पास एक जादुई बक्सा भी है। पता नहीं वो दोनों क्या तिकड़म करने वाले हैं। तभी वहां पर खड़ी ग्रैनी जादुई बक्से से कहती है, हे जादुई बक्सा, मुझे दो ठो हल्क मॉन्स्टर चाहिए। और तभी उस बक्से के अंदर से एक हरा और एक लाल हल्क मॉन्स्टर बाहर आ जाता है। और तभी एबेलन हल्क मॉन्स्टर से कहती है, हल्क मॉन्स्टर, आज ग्रैनी का बर्थडे है। तभी ग्रैनी हल्क मॉन्स्टर से कहती है, हाँ जाओ, जाके बाबा और उसके साथियों को पकड़ के लाओ पका के खाने के लिए। तभी हरा वाला हल्क मॉन्स्टर ग्रैनी से कहता है, जो हुकुम ग्रैनी, हम दोनों अभी जाते हैं। इतना कहते ही दोनों हल्क मॉन्स्टर वहां जाने के लिए निकल पड़ते हैं। और उधर बाबा और उसके साथी पिकनिक जाने का प्लान बना रहे होते हैं। बंटू बाबा से कहता है, बाबा आज पिकनिक पे जाने में बहुत मजा आएगा। तभी घंटू जीप के ऊपर से खड़े खड़े ही कहता है, हाँ बाबा जल्दी जल्दी चलो ना। तभी वहां अचानक से जमीन के नीचे से हल्क मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं। हरा वाला हल्क मॉन्स्टर कहता है, कहाँ जा रहे हो बच्चों, आज तुम सबको खाने में बहुत मजा आएगा। तभी घंटू कहता है, अले बापले ये दो दो हल्क मॉन्स्टर कहाँ से आ गए। तभी लाल वाला हल्क मॉन्स्टर कहता है, बच्चों अब तुम्हें हमसे कोई नहीं बचा सकता, ये टकला बाबा भी नहीं। इतना कहते ही वो दोनों हल्क मॉन्स्टर उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, क्या बाबा हल्क मॉन्स्टर से बच्चों को बचा पाएंगे या हल्क मॉन्स्टर बच्चों के साथ साथ बाबा को भी पकड़ लेगा? ये सब हम देखेंगे बंटू घंटू और हल्क मॉन्स्टर पार्ट 2 में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक बंटू घंटू और हल्क मॉन्स्टर पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा कि बाबा और उसके साथी पिकनिक जाने का प्लान बना रहे होते हैं, तभी अचानक जमीन के नीचे से दो हल्क मॉन्स्टर बाहर आ जाते हैं और उनकी तरफ आगे बढ़ने लगते हैं। अब बिना देर किए हुए आगे की स्टोरी देखते हैं। वो दोनों हल्क मॉन्स्टर वहां जाकर धोखे से बाबा बंटू और रॉड को अपने हाथों से जकड़ लेते हैं और वहां से जाने लगते हैं। तभी घंटू जीप के ऊपर से ही कहता है, अबे हल्क मॉन्स्टर तू बाबा और मेरे साथियों को कहां लेके जा रहा है। ये सुनकर हल्क मॉन्स्टर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और एक जोरदार लात दे मारता है, जिससे जीप और घंटू दोनों जमीन पर गिर पड़ते हैं और फिर हल्क मॉन्स्टर उन सबको लेकर गायब हो जाता है। हल्क मॉन्स्टर जैसे ही विलन की दुनिया में पहुंचता है तभी हरा हल्क मॉन्स्टर ग्रैनी से कहता है, ये लो ग्रैनी, मैं ले आया सबको, अब मना लो अपना बर्थडे। तभी ग्रैनी कहती है, अरे वाह हल्क मॉन्स्टर, मुझे तो लगा था तुम बाबा के हाथों मारे जाओगे, पर तुमने कर दिखाया, शाबाश मेरे मुन्ना। तभी विलन कहती है, चलो ग्रैनी हम तुम्हारे जन्मदिन की तैयारी शुरू करते हैं। तभी बाबा कहते हैं, अबे भूतनी के ये दोनों हल्क मॉन्स्टर ने हम लोगों को धोखे से पकड़ा है, छोड़ दे हम लोगों को वरना अच्छा नहीं होगा, तेरा जन्मदिन मैं मरण दिन में बदल दूंगा। तभी ग्रैनी कहती है, अबे टकले पहले मेरे पिंजरे से बाहर तो निकल के दिखा, फिर बकवास करना। तभी विलन ग्रैनी से कहती है, अरे ग्रैनी इस बुड्ढे की बातों पर ध्यान देकर वक्त जाया मत करो, चलो इन सबकी बलि देने की तैयारी करते हैं। तभी बाबा कहते हैं, अरे ओए विलन क्या बकवास कर रही है, अगर मैं इस पिंजरे से बाहर आ गया तो तुम सबकी खैर नहीं। तो दोस्तों क्या लगता है आपको, बाबा और उसके साथियों को पिंजरे से बाहर कौन निकालेगा? क्या ये लोग पिंजरे से बाहर निकल पाएंगे या एबेलन और ग्रैनी मिलकर इन सबकी बलि दे देंगे? ये सब हम देखेंगे बंटू घंटू और हल्क मॉन्स्टर पार्ट 3 में। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक बंटू घंटू और हल्क मॉन्स्टर के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उन्हें देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा कि हल्क मॉन्स्टर बाबा और उनके साथियों को उठाकर एबेलन की दुनिया में लेकर चला जाता है और उन्हें पिंजरे में बंद कर देता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। घंटू अपने घर के बाहर काफी देर से बेहोश पड़ा हुआ था, अचानक उसे होश आता है और वो इधर उधर देखने लगता है। तभी वो देखता है कि बाबा और उनके साथी वहां पर नहीं हैं। ये देखकर वो काफी ज्यादा बौखला जाता है और कहता है, अले बापले ये हल्क मॉन्स्टर तो सबको उठा ले गया, अब मैं क्या करूँ, किससे मदद मांगू? आइडिया, मैं अभी स्पाइडरमैन को बुलाता हूँ, वो मेरी मदद जरूर करेगा। स्पाइडरमैन स्पाइडरमैन। तभी स्पाइडरमैन आसमान से तेजी से उड़ते हुए आ रहा होता है। थोड़ी दूर उड़ने के बाद स्पाइडरमैन घंटू के पास पहुंच जाता है और नीचे धरती पर लैंड कर जाता है। और तभी स्पाइडरमैन घंटू से कहता है, क्या हुआ घंटू, तुमने मुझे इतना चिल्ला चिल्ला कर नीचे धरती पर क्यों बुलाया?
तभी घंटू स्पाइडरमैन से कहता है, स्पाइडरमैन बाबा और मेरे साथियों की जान खतरे में है। तभी स्पाइडरमैन घंटू से कहता है, क्या हुआ मेरे बाबा और तुम्हारे साथियों को, जल्दी मुझे बताओ। तभी घंटू स्पाइडरमैन से कहता है, वो क्या हुआ ना स्पाइडरमैन, अभी यहाँ पर थोड़ी देर पहले दो हल्क मॉन्स्टर आए थे और उन दोनों ने धोखे से बाबा और मेरे साथियों को उठा लिया। मैंने उन सबको बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन एक हल्क मॉन्स्टर ने मुझे एक जोरदार लात मारा और मैं नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गया, प्लीज मेरी मदद करो। तभी स्पाइडरमैन घंटू से कहता है, तुम घबराओ मत घंटू, मैं हूं ना, मैं बाबा और तुम्हारे साथियों का एक बाल भी बाका नहीं होने दूंगा। इधर ये लोग बात करने में ही लगे हुए हैं और उधर बाबा और उनके साथियों की जान खतरे में है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, क्या स्पाइडरमैन उन सबको बचा पाएगा या बात करने में ही समय गवा देगा? ये सब हम देखेंगे बंटू घंटू और हल्क मॉन्स्टर पार्ट 4 में। तो दोस्तों, अगर आप लोगों ने अभी तक बंटू घंटू और हल्क मॉन्स्टर के बाकी सारे पार्ट्स नहीं देखे हैं तो पहले आप जाकर उसे देख लें, नहीं तो आपको ये स्टोरी पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा, घंटू मदद मांगने के लिए स्पाइडरमैन को बुलाता है। तभी स्पाइडरमैन घंटू से कहता है, क्या बात है घंटू, तुमने मुझे धरती पर क्यों बुलाया? घंटू स्पाइडरमैन को सारी बातें बताता है। स्पाइडरमैन घंटू की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। अब आगे की स्टोरी देखते हैं। स्पाइडरमैन घंटू से कहता है, घंटू तुम जल्दी से मेरे कंधे पर बैठ जाओ, हम दोनों फटाफट उड़कर ग्रैनी के इलाके में पहुंच जाएंगे। तभी घंटू कहता है, स्पाइडरमैन मैं अगर तुम्हारे कंधे में लटकूंगा तो गिर जाऊंगा, मैं एक काम करता हूँ, मैं तुम्हारे पीठ पर बैठ जाता हूँ। घंटू स्पाइडरमैन के पीठ पर बैठ जाता है और स्पाइडरमैन उसे लेकर आसमान में उड़ जाता है। और उधर विलन ग्रैनी और दोनों हल्क मॉन्स्टर ग्रैनी की बर्थडे पार्टी की खुशी में मास्टर डीजे बजाकर डांस कर रहे होते हैं, क्योंकि आज ग्रैनी का बर्थडे है और उनका शिकार पिंजरे में बंद है जिसे वो लोग बलि देकर खाने वाले हैं। तभी थोड़ी देर बाद स्पाइडरमैन और घंटू वहां पर पहुंच जाते हैं। स्पाइडरमैन उन सबको डांस करता देख और बाबा को पिंजड़े में देख काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है। स्पाइडरमैन उन सबसे कहता है, अबे बावड़ी पूछ बंद कर दीजिए, किसकी इतनी मजाल जो मेरे बाबा को पिंजरे में बंद कर दिया। जैसे ही वो लोग स्पाइडरमैन की आवाज सुनते हैं तभी डीजे बंद हो जाता है और सारे लोग सीधे खड़े हो जाते हैं। तभी विलन कहती है, अरे वाह, यहाँ पर 3 शिकार पहले से ही थे और 2 शिकार खुद चलकर हमारे पास आ गए हैं, आज तो इसकी बहन की मजे ही मजे। तभी ग्रैनी कहती है, जाओ हल्क मॉन्स्टर उन दोनों को भी बंदी बना लो, सबकी बलि हम एक साथ देंगे और मजे से खाएंगे। एक एक करकर दोनों हल्क मॉन्स्टर उन दोनों को पकड़ने के लिए जाने लगते हैं। तभी स्पाइडरमैन उन दोनों को पटक पटक कर मारता है। और फिर स्पाइडरमैन अपनी जादुई शक्ति से 3 जादुई गोले मंगाता है और दोनों हल्क मॉन्स्टर को जलाकर राख कर देता है और पिंजरे को गायब कर देता है। तभी ग्रैनी गुस्से में कहती है, स्पाइडरमैन तूने मेरे साथियों को मारकर और बाबा और उसके साथियों को आजाद करा के अच्छा नहीं किया, अब मैं और इविलन तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। इतना कहकर इविलन और ग्रैनी उन दोनों को मारने के लिए जाने लगते हैं। तभी स्पाइडरमैन जादू से 2 आग का गोला मंगाता है और उन दोनों को दे मारता है। दोनों जलकर राख हो जाते हैं और जमीन पर गिर पड़ते हैं। तभी बंटू खुशी के मारे उछलने लगता है, ये स्पाइडरमैन ने हम सबको बचा लिया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह वीडियो? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लें ताकि ऐसे ही बेहतरीन वीडियो देखने का मौका सबसे पहले आपको मिल सके।